नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जंतर मंतर पर महापंचायत करने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने से अनुमति नहीं दी। बता दें, महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुँच रहा है। किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों का महापंचायत को देखते हुए सिंधी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को कल दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको महापंचायत से रोक दिया गया था और आज उसी के तहत दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं को सील किया गया है ताकि वहां पे किसान ना जा सकें और महापंचायत में भाग ना ले सकें। इस खबर पर हमारे साथ प्रवीण मिश्रा मौजूद हैं। प्रवीण, आपको हमारी आवाज़ आ रही? प्रवीण, जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत ने फिर से मोर्चा खोल रखा है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष, देखिए इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद के बॉर्डर पे, जहां पर इस समय जाम की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही लोगों का आवागमन यहां से जारी रहता है, लेकिन आज स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पे सभी जितने भी दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी है उन्होंने वहां पर बॉर्डर सील कर दिया है। कहीं ना कहीं वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी है, लोगों की हर एक गाड़ियों की चेकिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई ऐसा कोई किसान नेता या किसान किसी तरीके प्रदर्शन न कर पाए। जंतर मंतर में किसान नेता राकेश टिकैत ने जिस तरह से कल जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही उन्होंने एक आह्वान कर दिया था कि आज के दिन किसान काफी भारी संख्या में यहाँ दिल्ली कूच करेंगे और कहीं ना कहीं जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसी को लेते हुए समय बॉर्डर पूरी तरह से यहाँ पर सील हो चुका है क्योंकि काफी भारी संख्या में यहाँ से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर की नेटवर्क की, तो नेटवर्क भी यहाँ पर जैम कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग एकत्र ना हो पाए, भीड़ ना एकत्र हो पाए, खासतौर से मीडिया का कवरेज के लिए यहाँ पर समस्या हो रही है, यहाँ पर नेट की समस्या आने लग गई है क्योंकि काफी भारी संख्या में यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि राकेश टिकैत से जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई उनको थाने में बिठा के रखा गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया। राकेश टिकैत ने एक साफ तौर पे जो एमएसपी को लेकर और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर इस तरह से उन्होंने जो जिस तरह से आह्वान किया था तो वो तो उसको लेकर खासतौर पे यहाँ पर एक प्रदर्शन करने की एक रणनीति के तौर पे यहाँ से आना था उनको, तो आज जिस तरह से दिल्ली पुलिस को उनको इंसूट मिला यहाँ पर आने का तो उन्होंने तुरंत ही सभी बॉर्डरों पे बैरिकेडिंग कर ली। अभी हम इस वक्त NH9 पर मौजूद है जहाँ पर जाम की स्थिति काफी बदतर यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि लोगों का खासतौर पर परेशान है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काफी लोग हैं जो घंटे घंटे तक यहाँ पर फंसे हुए हैं, लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ पहुंच नहीं पा रहे। जी प्रवीण, राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को लेकर फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की महापंचायत को करने की अनुमति भी नहीं दी है और बैरिकेडिंग लगा रखी है। बैरिकेडिंग की वजह से एक बड़ी जाम का वहां पे बन हिसाब बन गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? अभी देखिए मेरे सामने एक एम्बुलेंस भी गुजर रही है यहाँ पर मरीज से गाड़ी के अंदर से और किस तरह से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है, गाड़ियां से रेंग रही है, खराब गए हैं और लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, हालांकि एक बात और कह सकते हैं कि राकेश टिकैत जिस तरह से पिछली बार गाजीपुर और अन्य जो बॉर्डर है वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, काफी समय तक वो धरना प्रदर्शन भी रहा था लेकिन इस बार फिर से उन्होंने एक रणनीति तैयार करने की कोशिश करी, लोगों को अपने जितने भी किसान नेता है उनको एकत्र करने की कोशिश करी थी कि वो भी दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर तक पहुंचे लेकिन जंतर मंतर की अनुमति नहीं दी गई है, खासतौर पर धारा 144 लगा दी गई है और बॉर्डर पे जगह जगह पर बैरिकेडिंग हो रही है। जी प्रवीण, राकेश टिकैत जो ये महापंचायत करना चाहते हैं कि आखिर किसानों की इस महापंचायत में क्या चर्चाएं हो सकती हैं और क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इसको लेकर, कुछ क्या मांगे इनकी आपसे, आपने क्या कुछ इस पर चर्चा है, कुछ लोगों से बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर से कहना है तो वादा खिलाफी सरकार ने करी है उसके खिलाफ फिर से एक दफा फिर से मोर्चा खोला जाएगा और मोर्चा साफ तौर पे आपको बता दूं कि किसान नेता समेत जितने भी किसान के बड़े बड़े जो नेता यहाँ मौजूद थे उन लोगों से भी संगठन से बातचीत चल रही है, खासतौर पर उनको फिर एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर वो लोग जुड़ते हैं तो फिर दोबारा से आंदोलन भारी संख्या में देखने को मिल सकता है दोबारा से दिल्ली के अंदर में। जी प्रवीण, जिस तरह से पिछली बार ये आंदोलन एक आंदोलन हुआ था राकेश टिकैत की, उसमें क्या आपको लग रहा है फिर वही माहौल बन सकता है वहां पर, क्योंकि किसानों का आना जाना, उनके गुटों का आना जाना शुरू हो चुका है वहां पर? हालांकि किसान राकेश टिकैत तो चाहेंगे कि फिर से दोबारा वही माहौल क्रिएट करें लेकिन
सरकार और यहाँ के प्रशासन शासन वो पहले जितनी स्थिति नहीं बनने देंगे, क्योंकि पहले जिस तरह से धीरे धीरे चलकर जो जिस तरह से जमावड़ा हो गया था बॉर्डरों पर, उस तरह का बॉर्डर पे जमावड़ा इस बार नहीं होने देंगे। कोशिश रहेगी पूरी पुलिस की, पूरी प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा से वो आंदोलन दोबारा से ना इकट्ठा हो पाए, दोबारा से भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। तो खासतौर से इस बार शासन प्रशासन सभी लोग काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। हर एक बॉर्डर पे पहले से जैसे ही पता चला दिल्ली में कि दिल्ली में पूछ करने वाले राकेश टिकट अपने समर्थकों के साथ किसान नेताओं के साथ, तो पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। जी प्रवीण, किसानों को महापंचायत मिलने करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्या मेन वजह है इसकी? मनीष, मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसान नेता राकेश टिकैत खासतौर पे धरने प्रदर्शन का आह्वान कर चुके हैं, जो महापंचायत में पूरा से बैठक करके उन्होंने बैठकों के बाद कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस बार वो धारा 144 बिजली के अंदर में चल लग चुकी है, वहाँ पर ज्यादा वहाँ से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते, तो उसको देखते हुए खासतौर पे जितने भी बॉर्डर पे है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक एक गाड़ी एक एक लोग को चेक किया जा रहा है किसी तरह से वो दिल्ली ना पहुँच पाए। प्रवीण, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि प्रवीण, वहाँ की जो भी अपडेट्स हो आप हमको निरंतर बताते रहें, उस जानकारी देते रहें उसकी। फिलहाल संयुक्त मोर्चा का जंतर मंतर पर महापंचायत करने का जो ऐलान किया गया है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सीमाओं बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और इस वजह से वहाँ पर एक बड़ा जाम की स्थिति भी बन गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।